सो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर एंड वेलकम टू अगेन माय चैनल। सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने आ रहा हूँ एक और न्यू लेटेस्ट तड़कते भड़कते कोरियन ड्रामे का, जिसका नाम है दी मास्टर सन। अब मैं बता दूं, 2013 का कोरियन ड्रामा है, जिसके नंबर ऑफ एपिसोड्स की बात करें तो 17 है और हर एपिसोड की लेंथ आपको वही 1 घंटे से ज्यादा अराउंड की देखने के लिए मिलेगी। मतलब आपको अपने 17 घंटे देने पड़ेंगे। तो क्या आपको 1 घंटे देखने चाहिए या फिर घंटे देने चाहिए? सो गाइज, मैं आपको बता दूं, ये कोरियन ड्रामा आपको एज पिक्चर पे देखने के लिए मिलेगा और इसकी जो टाइमिंग होगी या तो मैं वो अभी आपको स्क्रीन पे शो करके दिखा दूंगा या फिर जब ये रिलीज होगा, जब इसका फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट होगा, जब मैं बता दूंगा। तो गाइज, जब ये टेलीकास्ट हुआ ही नहीं है तो मैं रिव्यू कर क्यों रहा हूँ? गाइज, उसका रीजन ये है कि ये टेलीकास्ट तो कब का हो चुका है, 2013 में रिलीज होकर के खत्म हो चुका है, लेकिन इसको हिंदी डब वर्जन जो है इसका वो अभी कुछ दिनों बाद रिलीज किया जाएगा। सो गाइज, मैंने सोचा क्यों ना इसको हिंदी डब आने से पहले ही आपके सामने रिव्यू कर दिया जाए। आफ्टरऑल आपका टाइम ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या आपको इस पर टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो यही बात आपको आज मैं बताने आ रहा हूँ। सो चलिए, तो फिर आप रिव्यू करते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है मैंने मोस्ट ऑफ दी सारी ही बातें आपको इसमें बता दी हैं जो कि आपको इसको देखने से पहले पता होनी चाहिए। बस एक स्टोरी रह गई है जो कि अब शुरू करते हैं बताना। सो गाइस, स्टोरी की बात करें तो हमारी फीमेल लीड की स्टोरी है ये, जिनके एक्सीडेंट की वजह से उनको भूत दिखाई देने लग जाते हैं। और इसका जर्नी की बात करें तो मिस्ट्री हॉरर जर्नी देखने के लिए मिलेगा हमें और कहीं कहीं पे कॉमेडी भी देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस, बात करते हैं फिर से स्टोरी पे। तो गाइस, स्टोरी की बात करें तो हमारी फीमेल लीड का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें भूत दिखाई देने लग जाते हैं। अब भाई एक्सीडेंट में बिजली गिरती है तो आदमी शॉक मैन बन जाता है, मतलब बिजली निकालने लग जाता है। अब ये तो पहली बार ही पावर सुन रहा हूं मैं, तो यही यूनिकनेस दिखाई जाती है कोरियन ड्रामास में। हमारा मेन लीड होता है वो एक कंपनी का CEO होता है। वेल, मैं बता दूं, 2018 तक, 17 तक, 16 तक जितने भी कोरियन ड्रामास है, सब में ज्यादातर यही स्टोरी थी कि गरीब लड़की होती है और एक CEO लड़का होता है, उन दोनों के बीच में लव लपाटा दिखाया जाता है। इसके बीच की जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैं बता दूं कि ज्यादातर कोरियन ड्रामा ऐसी है, जैसे आई एम नॉट अ रोबोट एंड बहुत सारे इस टाइप के कोरियन ड्रामास आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये भी उससे कुछ अलग हटके नहीं है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट वहां आता है जहाँ पे हॉरर का तड़का लग जाता है। अब क्या होगा इस, अब हमारी फीमेल लीड के पीछे जब भूत दिखेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि भूत पड़ेंगे, पीछे पड़ेंगे। जैसे कि मेरे साथ होता है कि डॉग ही दिख रहा है तो वो अभी ना कभी पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। सो इस टाइप में, सो क्या हमारी फीमेल लीड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, और अगर सॉल्व होगी तो कैसे होगी, और फीमेल लीड का क्या सीक्रेट है, और फीमेल लीड के सीक्रेट के बारे में क्या मेल लीड को पता पड़ेगा या नहीं, यही सारी बातें जानने के लिए आपको इस कोरियन ड्रामा को देखना पड़ेगा एस पिक्चर पे। प्लीज कोई पायरेसी मत करना, एस पिक्चर्स पे देखना। और एस पिक्चर्स का इससे पहले मैंने कोई कोरियन ड्रामा नहीं देखा, और देखा भी होगा तो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि आप उन जिंक पे देखता है 2 बजे वाला जो शो आते हैं कोरियन ड्रामे। सो गाइस, हाँ, आप बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स से रिलेटेड। तो मैं नेगेटिव पॉइंट की बात बता दूं कि इसका जो 2013 का जो स्क्रीन प्ले है वो हो सकता है उस समय के हिसाब से अच्छा हो, लेकिन इस समय के हिसाब से ये उतना फास्ट नहीं है जिस तरीके के होते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का इंटेंशन टाइम बहुत कम है। सो ये उस टाइम के हिसाब से मुझे थोड़ा सा अनफास्ट लगा, लेकिन जो इसकी स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट टर्न्स आते हैं कभी कभी तो कभी कभी तो ऐसा लगता है यार अब क्या होगा, ओ गॉड अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से सब ओके हो जाता है, तो मन में रिलैक्स आता है। बाकी के आपके क्या विचार है आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। तो गाइस, मिलते हैं फिर किसी और ना इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।